गुड मॉर्निंग बच्चों, वॉइस आ रही है? हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, वॉइस आ रही है? कैसे हैं सब लोग? गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा कल ग्रोथ की बात की थी हमने, उसमें कोई डाउट किसी को? वहां पे कोई डाउट किसी को? कल जो हमने पढ़ा था वहां तक कंप्लीट कर लिया? तो देखो बेटा, मैं एक बार बात कर लेता हूँ कि हमने कल क्या बात की थी। हमने ग्रोथ की बात की थी कल, फीचर्स की हम बात कर रहे थे कि लिविंग के क्या फीचर्स होंगे, है कि नहीं? तो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इन सब की हमने बात की थी ना। तो देखो, तो ग्रोथ हमने देखा था कि सर ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ कैसी होती है, इसकी बात हमने की थी। और यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में भी हमने ग्रोथ की बात की थी कि क्या मतलब है वहां पे, है कि नहीं? याद आ रहा है? नॉर्मली लेवल पर नंबर बढ़ता है, हाइयर लेवल पर मास बढ़ता है, समझे क्या? हेलो, क्लियर है बेटा? कल जो पढ़ाया था उसमें किसी बच्चे को कोई डाउट, ये बताओ क्या वो क्लियर है एवरीवन? देखो बेटा, तो आज हम ये देखते हैं नेक्स्ट ग्रोथ में कि हमने ये तो देख लिया कि ग्रोथ क्या है और ग्रोथ कैसी है ना? तो अब हम ये देख लेते हैं कि ग्रोथ किसका रिजल्ट है, किसकी वजह से हो रही है ग्रोथ, समझे क्या? ग्रोथ जो हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? समझे क्या? देखो, तो ग्रोथ इज द रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। भाई अगर लिविंग बॉडी के अंदर अगर ग्रोथ हो रही है तो वो किसका रिजल्ट है? मेटाबॉलिज्म का। कि भाई किसका रिजल्ट है? मेटाबॉलिज्म का। भाई आप, हम लोग खाना खाते हैं ना, तो उस खाने को मैं अपने हाथ पे रख लूं तो क्या वो डाइजेस्ट हो जाएगा क्या, ये बताओ? क्या वो डाइजेस्ट हो जाएगा क्या अगर मैं उस फूड को अपने हाथ में रख लूं तो? वो जो पानी है, पानी का बोतल है, मैं इसको यहाँ पे अपने ऐसे हाथ पे रख लूं तो क्या मेरी बॉडी में पानी, ये जो वाटर है, ये एब्जॉर्ब हो सकता है क्या, ये बताओ? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। यानी कि सर कुछ तो है, कुछ तो रिएक्शंस हमारी बॉडी में चल रहे हैं जिसकी वजह से ग्रोथ होती है, कि भाई समझे क्या? तो ग्रोथ किसका रिजल्ट है? मेटाबॉलिज्म का। और मेटाबॉलिज्म क्या है, इसकी भी हम आगे फुल मैं बात करूंगा। इसकी मेटाबॉलिज्म क्या है सर? ये वो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं जो हमारी बॉडी में होते रहते हैं, कि भाई ये वो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं सारे जो हमारी बॉडी में होते रहते हैं, कि भाई सांस लेते हो, खाना पीना खाते हो, भूख लगती है कि नहीं? तो खाना जो खाते हो, बड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स फूड खाते हो ना, फिर वो उसको सिंपल पार्टिकल में उसका डाइजेशन हो जाता है, फिर वो एब्जॉर्ब हो जाता है, होता है कि नहीं होता? बोलो, होता है ना? तो यानी कि सर ये कुछ रिएक्शंस हैं जो हमारी बॉडी में होती हैं जिसकी वजह से ग्रोथ देखने को मिलती है। तो ये जो रिएक्शन है बेटा, ये दो मैनर में होती है। देखो, ग्रोथ का वो भी मेटाबॉलिज्म की वजह से होगी। कब देखने को मिलेगी ये देखो, अगर सिंथेटिक रिएक्शन मेटाबॉलिज्म में, मैं बता रहा हूँ, मेटाबॉलिज्म में दो टाइप का रिएक्शन होता है, सिंथेटिक रिएक्शन, इसको हम लोग कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन भी कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन, समझे क्या?
और इसको हम लोग एनाबॉलिज्म भी कहते हैं, इन रिएक्शंस को हम लोग एनाबॉलिज्म के नाम से भी जानते हैं, समझे क्या? कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन कहिए, सिंथेटिक रिएक्शन कहिए, या एनाबॉलिज्म कहिए, ठीक है। और एक रिएक्शन होती है डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन, कौन सी होती है? डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन बेटा। डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन को हम लोग और क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म। अब देखो, ये दोनों ही रिएक्शन हमारी बॉडी में होते रहते हैं, पैरेलली ये दोनों ही रिएक्शन साइमल्टेनियसली होते रहते हैं। अब ग्रोथ कब अकर करेगी? जब ये सिंथेटिक रिएक्शन ज्यादा होगा, क्या होगा? ये ज्यादा होगा और ये डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन कम होगा, समझे क्या? जब सिंथेटिक रिएक्शन ज्यादा होगा और डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन कम होगा तब ग्रोथ अकर करेगी, समझे क्या? तब साइज मास ये सब बढ़ेगा और उस ग्रोथ को हम लोग बोलेंगे क्या? पॉजिटिव ग्रोथ, समझे क्या? क्या बोलेंगे? पॉजिटिव ग्रोथ। समझो, हो सकता है किसी के ना समझ में आया हो, मैं समझाता हूँ। मान लीजिए मैंने आपको बोला कि बेटा आपको ना एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करनी है, एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करनी है, ठीक है। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करनी है तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे सर रॉ मटेरियल दे दीजिए, हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते जाते हैं, है ना? समझे क्या? मैंने 5 लोग आप में से चूज कर लिए और आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो जब आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसका साइज बढ़ता जाएगा कि नहीं? तो भाई कंस्ट्रक्ट कर रहे हो ना, मतलब कुछ बना रहे हो, कुछ चीजें सीमेंट ब्रिक्स वगैरह लेके, रॉड्स आयरन की रॉड्स वगैरह लेके एक बिल्डिंग तैयार कर रहे हो ना, समझ रहे हो कि नहीं इस बात को? हेलो, समझ रहे हो? कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। वहीं मैंने आपकी क्लास में से 2 बच्चे और चूज कर लिए, मैंने कहा कि भाई ये जो बना रहे हैं, ये जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इसका आप लोग डिस्ट्रक्शन करना चालू कर दो, समझे क्या? तो जब कंस्ट्रक्शन के लिए मैंने 5 बच्चे चूज किए तो वो ज्यादा कंस्ट्रक्शन करेंगे कि नहीं? और 2 बच्चे मैंने चूज किए इसको ब्रेक करने के लिए, तो बताओ कंस्ट्रक्शन ज्यादा ही होगा ना, होगा कि नहीं होगा? तो ग्रोथ देखने को मिलेगी कि नहीं, बोलो। हेलो, तो ग्रोथ होगी ऑब्वियसली ना, बिल्डिंग बनेगी ही ना, क्योंकि तोड़ तो हम कम रहे हैं ना, ब्रेक तो हम कम कर रहे हैं, तो हमारी बिल्डिंग बनेगी ही बनेगी, कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा यानी ग्रोथ देखने को मिलेगी। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? अरे सीधी बात है, ऐसा समझिए, आप लोग बड़े होके, आप लोग बड़े होके डॉक्टर वगैरह बनेंगे, पैसा कमाएंगे, कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे? तो बेटा जब आप पैसा कमाएंगे, मान लीजिए आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं, तो आप 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, वो तो हो गया आपका कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब आप जो खर्च करेंगे, अगर आप मान लीजिए 50,000 रुपये खर्च करते हैं, तो आपके पास 50,000 तो बचेंगे ना, तो आपकी ग्रोथ होगी कि नहीं होगी? आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपके अकाउंट में पैसे जमा होते जाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि भाई आप 1 लाख रुपए कमाएंगे और खर्चा अगर 1.5 लाख करेंगे तो क्या होगा, कर्जा चढ़ जाएगा कि नहीं? तो ग्रोथ हो पाएगी क्या? नहीं होगी ना, क्यों भाई? डीग्रोथ हो जाएगी कि नहीं, बोलो, समझे क्या? चिल्ड्रन, एवरीवन, क्लियर? तो देखो बेटा, ये तो होगी पॉजिटिव ग्रोथ। वहीं पे अगर ये रिएक्शन उल्टी हो जाए, क्या हो जाए? उल्टा हो जाए, ये मतलब कि जब एनाबॉलिज्म, देखो एना के नाम से ही समझ में आता है, एना मतलब ऐड, एना मतलब कुछ ऐड कर रहे हैं, मतलब छोटी छोटी चीजों को मिला के ऐड कर रहे हैं और बड़ा बना रहे हैं कुछ, समझे क्या? और कैटा मतलब कुछ काट रहे हैं, समझ रहे हो कि नहीं? कुछ कट कर रहे हैं, इज इट क्लियर? तो अब देखो, अगर एनाबॉलिज्म वाली जो रिएक्शन है वो कम हो जाए और कैटाबॉलिज्म जो है वो बढ़ जाए, क्या हो जाए? कैटाबॉलिज्म बढ़ जाए, तो इस कंडीशन को हम लोग कहेंगे डीग्रोथ। क्या कहेंगे? डीग्रोथ, समझे
समझे क्या? या निगेटिव ग्रोथ। क्लियर है क्या चिल्ड्रन? बेटा आप सब लोग बारामती से हैं क्या? कहाँ से बिलोंग करते हैं आप सब लोग? मुंबई, बारामती, सतारा। ओके, सतारा, बारामती, कर्जात, नियर टाउन, पलटन। ओके देखो, वैसे जल्दी आई थिंक एकेडमी स्टार्ट हो जाएगी तो हम लोग ऑफलाइन पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलें। ये कॉपी हो गया, ये कॉपी हो गया क्या? सर हम एनाबॉलिज्म की रिएक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं? बेटा खाना पीना खाइए अच्छे से, एक बैलेंस डाइट लीजिए तो बॉडी हेल्दी रहेगी ना। तो भाई बॉडी हेल्दी रहेगी कि नहीं? सांस लेना बंद कर दो। सांस लेना रेस्पिरेशन क्या है? कैटाबॉलिज्म प्रोसेस है, तो एनर्जी स्टोर रहेगी। तो भाई ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये दोनों ही रिएक्शन चलेंगी, सिंथेटिक और डिस्ट्रक्टिव, दोनों ही चलती रहेंगी। बस आपको आपकी बॉडी के लिए जो खाना पीना है, जो बैलेंस डाइट है, जो वाटर है, वो पूरा सही होना चाहिए। समझे क्या? आप में से कोई कहे कि क्या सर मैं डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन को रोक सकता हूँ क्या अपनी बॉडी में? सांस लेना बंद कर दो ना, सांस लेना बंद कर दो, अल्लाह को प्यारे हो जाओगे, डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन ही बंद हो जाएगा। समझे क्या? तो सिंथेटिक और डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन को बंद नहीं कर सकते, दोनों ही चलेगा ना, दोनों की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? आगे चलें। और देखो बेटा, अब हमने ये देख लिया कि ग्रोथ क्या है, ग्रोथ कैसी है, ग्रोथ किसका रिजल्ट है। बोलो, यहां कोई दिक्कत किसी को? मेरे ख्याल से नहीं होगी। अब हम देखते हैं कि ग्रोथ कितने टाइप की है। बेटा जल्दी जल्दी थोड़ा कॉपी करो ना, नहीं तो कैसे होगा, हम लोग कैसे पढ़ाएंगे? या आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, लिखने के लिए तो ज्यादा बोर्ड पे लिखा भी नहीं है, 2 मिनट का भी नहीं है लिखने के लिए। कॉपी करने में आप टाइम मत लगाइए बिल्कुल भी। हो गया बेटा सार्थक? दो बेटा, अब हम बात करते हैं सर ग्रोथ कौन कौन से टाइप की है। समझो, ग्रोथ इज टू टाइप्स। दो बेटा, ग्रोथ कितने टाइप्स की है? टू टाइप्स की है। देखो भाई कौन कौन से दो टाइप की है? एक मैंने लिखा इंट्रिंसिक ग्रोथ, इंट्रिंसिक ग्रोथ, और एक टाइप मैंने बताया कौन सा वाला, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। दो बेटा इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में क्या है? बेटा इंट्रिंसिक वर्ड समझ में आ रहा है, इंट्रिंसिक मतलब इनसाइट। इंट्रिंसिक का क्या मतलब है? इनसाइट, यानी कि ये जो ग्रोथ है, यहाँ पे क्या लिखा है, इंट्रिंसिक मतलब इनसाइड द बॉडी, तो ये जो ग्रोथ है ये कहाँ होगी? इंट्रिंसिक यानी बॉडी के अंदर होगी। अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अकर्स इनसाइड द
बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, समझे क्या? इंट्रिंसिक का मतलब अंदर, ग्रोथ कहाँ हो रही है? अंदर हो रही है, इंट्रिंसिक मतलब अंदर, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर ग्रोथ हो रही है। इज इट क्लियर? एक्सट्रिंसिक का क्या मतलब है? देखो एक्सट्रिंसिक आ गया, एक्सट्रिंसिक मतलब आउटसाइड द बॉडी। एक्सट्रिंसिक का क्या मतलब है बेटा? आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी ग्रोथ हो रही है, समझ रहे हो क्या? तुम में से कोई ऐसा है जिसकी आउटसाइड द बॉडी ग्रोथ हो रही है? आप सब में से, बच्चों में से कोई भी ऐसा है जिसके आउटसाइड द बॉडी ग्रोथ हो रही है? बोलो। हेलो, नहीं ना? तो मतलब क्या है सर एक्सट्रिंसिक ग्रोथ का? पहले ये समझिए कि सर एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन एनी बॉडी सरफेस, समझे क्या? एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन एनी बॉडी सरफेस, एक्यूमुलेशन मतलब होता है इकट्ठा होना। फॉर एग्जाम्पल भाई, कार है आपके यहाँ पे, लॉकडाउन में कार तो होगी, मतलब नहीं भी होगी कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है। ये देखो, मान लीजिए आपके पास एक कार है, मैंने ऐसे मान लिया, ये रही, ये कार है एक, ठीक है, और ये बाहर खड़ी हुई है, लॉकडाउन में कहीं घूमने नहीं गए हो आप, तो बेटा इस बाहर इस कार के ऊपर क्या हो जाएगा जमा? धूल हो जाएगी, क्यों भाई? मान लीजिए धूल, मिट्टी लग गई बहुत सारी, इसकी हाइट बढ़ गई, मोटी हो गई है, समझ रहे हो क्या? तो नॉन बॉडी यानी नॉन लिविंग सब्सटेंस जो होते हैं, नॉन लिविंग सब्सटेंस जो होते हैं वो शो करते हैं क्या? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल, मैं मिक्की माउस के कपड़े पहन लूं तो क्या ये बताओ कि मैं उतना मोटा हो जाऊंगा क्या? ये बताओ, बोलो क्यों भाई? हो सकता हूं क्या मैं डोरेमोन बन जाऊं, मैं डोरेमोन जैसे कपड़े पहन लूं तो क्या मेरी ग्रोथ डोरेमोन जैसी हो गई? ये बताओ, पॉसिबल है क्या ऐसा? समझ में आया क्या एक्सट्रिंसिक ग्रोथ का क्या मतलब है? कि सर ये आउटसाइड द बॉडी होगा, आउटसाइड द बॉडी मतलब सर किसी भी बॉडी सरफेस पे मटेरियल का इकट्ठा हो जाना, वो क्या होगा? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होगा। तो सर ये जो शो करते हैं ये तो नॉन लिविंग सब्सटेंस जो होते हैं, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स वो शो करेंगे, क्यों भाई? समझे क्या? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट दिस टाइप ऑफ ग्रोथ, समझे क्या बेटा? और बेटा इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोल देते हैं? एक्रीशन। इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोल देते हैं? एक्रीशन, समझे क्या? अगर आपको एक्रीशन वर्ड मिल जाए तो समझ लेना कि एक्सट्रिंसिक ग्रोथ की बात हो रही है, समझे क्या? क्लियर है? अब इंट्रिंसिक ग्रोथ जो है सर वो तो इनसाइड द बॉडी होगी। कैसे होगी? इनसाइड द बॉडी होगी। तो उस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं? इनटू ससेप्शन। क्या कहते हैं? इनटू ससेप्शन, समझे क्या? इनटू मतलब विद इन, इनटू मतलब विद इन, ससेप्शन मतलब टू रिसीव, यानी कि रिसीव कर रहा है कहां? बॉडी के अंदर, समझे क्या? आप में से कोई ऐसा है जिसको मैं पिज्जा दे दूं और उसके हाथ पे रख दूं तो हाथ से ही, हाथ पे रखे हुए से ही वो डाइजेस्ट हो जाए? पॉसिबल है क्या ऐसा? बोलो। मैंने अगर पार्टी दी, लो चलो सब बच्चे पिज्जा खाएंगे, तो केवल हाथ पे रखने से ही वो डाइजेस्ट हो सकता है क्या?
ग्रोथ हो सकती है क्या बॉडी में? नहीं हो सकती है ना, कि सर हमें उसको खाना पड़ेगा, हमें उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, तब हम डेली अगर पिज्जा खाएंगे तो हम एकदम डोरेमोन जैसे हो जाएंगे सर, क्यों भाई? पॉसिबल है कि नहीं? अगर मोटापा आएगा तो कैसे आएगा? इनसाइड द बॉडी आएगा ना, क्यों भाई? समझे कि नहीं समझे? क्लियर है इंट्रिंसिक ग्रोथ और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ? अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी सर, कि ये जो ग्रोथ है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ का टाइप है, और कौन शो कर रहा है? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शो कर रहा है। इसका मतलब सर यही कारण है, यही रीजन है जिसकी वजह से ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। क्लियर हुआ क्या? मैंने कहा था ना कि ग्रोथ इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शो करते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो फिर हम इसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कैसे कह सकते हैं ग्रोथ को? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? चिल्ड्रन, ठीक है, इसको कॉपी कर लो बेटा, इसको कॉपी कर लो जल्दी से। मजा आ रहा है पढ़ने में? चलो आगे चलते हैं, ठीक है? आगे देखो बेटा, तो अब देखो होता क्या है कि नीट देने जाओगे, पता चला पहला पहला क्वेश्चन पहले पहले एनसीईआरटी के पहले पेज से आ गया। ऐसा ही होता है, पहले पहले पेज से ही, चैप्टर के पहले पेज से ही क्वेश्चन बना देते हैं एनसीईआरटी वाले। देखो नीट में क्या करेंगे, ऐसे पूछेगा क्वेश्चन कि सर ये बताइए, क्वेश्चन है कि ग्रोथ इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और नॉट? ग्रोथ इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और नॉट? समझे क्या? तो आंसर क्या जाएगा बेटा, ये बताएगा मुझे कोई कि सर आंसर ये जाएगा, क्या जाएगा? अगर आया ग्रोथ इज नॉट द डिफाइन, ग्रोथ इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और नॉट, चार ऑप्शंस आपके पास होंगे, यस नो बोथ ए एंड बी, आपका फेवरेट नन ऑफ दीज। समझे क्या? तो क्या बोलोगे? सर ग्रोथ तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, हमने पढ़ा है, हमने सीखा है कि नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। समझे क्या? इसी ऑप्शन को चूज करोगे ना कि सर नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि नहीं? अब नीट वाले इतने भी बेवकूफ नहीं है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन दे देंगे, वो ऐसे पूछेंगे, वो क्या क्वेश्चन दे देंगे कि भाई बताओ इंट्रिंसिक ग्रोथ इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और नॉट? समझे क्या? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और इंट्रिंसिक ग्रोथ इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और नॉट? तो जो बच्चे क्लास में कंसेप्ट सीख के गए थे क्या कहेंगे? यस, इंट्रिंसिक ग्रोथ तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है भाई। इंट्रिंसिक ग्रोथ किसके अंदर हो रही है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रही है। तो लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि नहीं इंट्रिंसिक ग्रोथ? समझे क्या? कि इंट्रिंसिक ग्रोथ इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। लिविंग के अंदर लिखा था मैंने इनसाइड द बॉडी। ये वाटर बोतल है क्या, इसके अंदर कोई होगा क्या? बोलो, दिखाई दे रही है ये? क्या इसके अंदर कोई ग्रोथ होगी क्या? इस पेन के अंदर कोई ग्रोथ होगी क्या? नहीं होगी ना। तो ग्रोथ जो होगी इनसाइड द बॉडी किसके होगी? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के होगी ना। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नहीं? है ना? समझे कि नहीं समझे? यस, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। क्लियर है क्या? बच्चों इंट्रेंस
दो बेटा, मैंने कहा दो टाइप की ग्रोथ थी, एक इंट्रिंसिक और एक एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कौन शो कर रहा था? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शो कर रहे थे ना। इसीलिए तो ग्रोथ जो है, ग्रोथ को हमने बोला कि भाई ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि वहां पे एक्सेप्शन है ना। क्या एक्सेप्शन है? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शो करते हैं, समझे क्या? तब इंट्रिंसिक ग्रोथ जो है वो किसके में है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर है। कहाँ पे अकर कर रही है? इनसाइड द बॉडी अकर कर रही है ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। तो भाई इनसाइड द बॉडी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अकर कर रही है ग्रोथ, तो वो होगी ना डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो ग्रोथ इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, बट इंट्रिंसिक ग्रोथ इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? समझे क्या? भाई अगर मैं आपसे पूछूं, आप सब बच्चे, आपकी ग्रोथ होगी तो कैसे होगी? बॉडी के बाहर होगी कि बॉडी के अंदर होगी, ये बताओ। जो 1 साल का छोटा बच्चा था, कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था, छोटा बच्चा था 1 साल का, 10 साल बाद मिले तो इतना बड़ा हो गया, कैसे हो गया? उसने अपने बाहर बॉडी पे कुछ चिपका लिया है क्या? कुछ स्टिक कर लिया है क्या? नहीं ना। कहाँ से ग्रोथ हुई? अंदर से हुई है ना सर। उसके बोन्स, हाइट वगैरह जो सब बढ़े हैं, बॉडी के अंदर से बढ़े हैं सारे। क्यों भाई? ऐसा थोड़ी ही है उसने कोई रॉड लगा लिया है, उसने कोई डंडा लगा लिया है जिसकी वजह से वो लंबा हो गया है। क्यों भाई, समझे क्या? क्लियर एवरीवन? अब देखो बेटा आगे, अब फिर से मैं दो टाइप की ग्रोथ ग्रोथ पढ़ाता हूँ। ये देखो अभी दो टाइप की ग्रोथ, और देखो ग्रोथ इज ऑफ टू टाइप्स, फिर से दो टाइप्स की और है। कौन कौन सी? देखो एक होती है इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, दूसरी होती है डिटर्मिनेट ग्रोथ। सर ग्रोथ किसमें अकर कर रही है, इस पर डिफाइनिंग होता है, वो डिफाइनिंग है या नहीं? क्या कह रहे हो बेटा स्नेहा? ग्रोथ किसमें अकर कर रही है? देखो अगर सिंपल ग्रोथ बोलोगे ना सर, ग्रोथ ग्रोथ इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं। ग्रोथ तो भाई किसी में भी हो सकती है ना, एक्सट्रिंसिक भी है, इंट्रिंसिक भी है ना। नॉन लिविंग भी शो करते हैं और लिविंग भी शो करते हैं, तो डिफाइनिंग नहीं। अकेले वर्ड जो ग्रोथ है अकेला, उसको आप डिफाइनिंग नहीं कह सकते। अगर आ गया क्या इंट्रिंसिक ग्रोथ, तब आप उसको कहेंगे कि हाँ डिफाइनिंग है। समझे कि नहीं समझे? मान लीजिए आपको क्वेश्चन आएगा कि भाई 4 ऑप्शन दे रखे हैं और बोलेगा बताओ भाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए कौन सी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वहां पे एक ऑप्शन ग्रोथ भी होगा, तो आप उस ग्रोथ को चूज नहीं कर सकते। समझे क्या? ग्रोथ इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर? क्यों? क्योंकि सर ग्रोथ में एक्सेप्शन है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ का। अगर वहां पे लिखा है इंट्रिंसिक ग्रोथ, अगर ऑप्शन में इंट्रिंसिक ग्रोथ है, देन यू कैन से यस इट इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? चिल्ड्रन देखो बेटा, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ कहने का क्या मतलब होता है? इनडिटर्मिनेट ग्रोथ कहने का मतलब होता है अनलिमिटेड ग्रोथ। क्या मतलब होता है? अनलिमिटेड ग्रोथ। क्लियर है क्या? इनडिटर्मिनेट ग्रोथ कहने का मतलब है अनलिमिटेड ग्रोथ। मतलब और डिटर्मिनेट कहने का मतलब होता है लिमिटेड ग्रोथ। समझे क्या?
तो अनलिमिटेड ग्रोथ क्या होगी, बोलो भाई, अनलिमिटेड ग्रोथ क्या होगी? सर अनलिमिटेड ग्रोथ उसको कहेंगे जो कंटिन्यूअसली लाइफ स्पेन अपनी, यानी जिंदगी भर ग्रोथ होती रहे। तो भाई कंटिन्यूअसली जब तक जीवन रहे, जब तक लाइफ रहे, ग्रोथ होती रहे, बोलो कहेंगे कि नहीं? तो यानी कि ये क्या है, विच अकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू देयर लाइफ स्पेन। तो भाई तो लाइफ स्पेन जिंदगी भर कौन बढ़ते हैं भाई, कौन होगा इसका एग्जाम्पल? प्लांट्स। प्लांट्स जो है अपने थ्रू आउट द लाइफ ग्रोथ करते रहते हैं, करते हैं कि नहीं? लेकिन डिटर्मिनेट ग्रोथ मतलब लिमिटेड ग्रोथ, कब तक बढ़ेंगे? अप टू अ सर्टेन एज तक बढ़ेंगे। अकर्स अप टू अ सर्टेन एज, समझे क्या? अकर्स अप टू अ सर्टेन एज, क्लियर है क्या? फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स, मैन, यस। तो डिटर्मिनेट ग्रोथ कौन होगा? एनिमल्स होंगे। और इनडिटर्मिनेट ग्रोथ में कौन होगा? प्लांट्स होंगे। इज इट क्लियर? कॉपी कर लिया? चलो कॉपी कर लो फटाफट। नोटेड। अब दो बेटा, तो यानी कि सर हम ये बात लिख सकते हैं कि हमने ये सब पढ़ लिया कि लिविंग और नॉन लिविंग जो होते हैं वो ग्रोथ शो करते हैं, इसीलिए इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहते हैं। समझ गए क्या? क्योंकि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कब कहेंगे कि केवल लिविंग ही शो करे, उसमें नॉन लिविंग का कोई भी रोल ना हो, समझे क्या? लेकिन यहाँ तो नॉन लिविंग भी शो कर रहे हैं तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते। इज इट क्लियर? बिकॉज बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग एग्जिबिट ग्रोथ, सो इट कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। क्लियर है क्या? बिकॉज बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग एग्जिबिट ग्रोथ, सो इट कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर? तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम किसको कह सकते हैं? ओनली इंट्रिंसिक ग्रोथ को, इंट्रिंसिक ग्रोथ को कैन बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर? तो अब ये जो ग्रोथ होती है, जैसे हम लोगों के अंदर ग्रोथ हो रही है कि नहीं? तो ग्रोथ होती है तो क्या होगा? सेल का नंबर बढ़ेगा, मतलब तो सेल डिवीजन होगा। तो भाई सेल डिवीजन होगा, सेल डिफरेंशिएशन होगा, ये चीजें होती हैं कि नहीं? सेल डिफरेंशिएशन होगा, सेल एनलार्जमेंट होगा, क्लियर है कि नहीं? साइज बढ़ रहा है ना हम लोगों का, क्लियर? तो अगर ग्रोथ हो रही है हम लिविंग बॉडी के अंदर, सेल डिवीजन, सेल डिफरेंशिएशन, सेल एनलार्जमेंट, ये चीजें देखने को मिलेंगी, क्लियर है कि नहीं? भाई हमारे कभी कहीं कट वगैरह हो जाता है तो फिर से वहां पे नई स्किन आ जाती है, तो ग्रोथ हो जाती है ना फिर से, मतलब सेल डिवीजन हो रहा है। जो ओल्ड सेल्स थी, जो इंजर्ड सेल्स थे, वो
रिप्लेस हो रहे हैं बाय द न्यू वंस. इज इट क्लियर? इसको नोट कर लो बेटा. क्या कह रहे हो बेटा सार्थक? इंट्रिंसिक ग्रोथ कैन बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. ये लिखा है मैंने, इंट्रिंसिक ग्रोथ जो है कैन बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. ओके, क्लियर? चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, रिप्रोडक्शन. देखो बेटा, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन बेटा, मेरा वॉइस आ रहा है, तो वॉइस आ रहा है तो बेटा रिप्रोडक्शन की हम लोग बात करें. क्या मतलब होता है रिप्रोडक्शन का? री मतलब क्या होता है? देखो
री मतलब होता है फिर से, और प्रोडक्शन मतलब अगेन प्रोडक्शन, समझे क्या? रिप्रोडक्शन मतलब फिर से प्रोडक्शन। ये क्यों जरूरी है, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है कि भाई रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ किस लिए जरूरी है? कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए, क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो भाई ह्यूमंस का नंबर नहीं बढ़ेगा, आगे सर्वाइवल कैसे होगा? कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए जरूरी है कि नहीं रिप्रोडक्शन? हेलो, आया क्या समझ में? कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए जरूरी है बेटा रिप्रोडक्शन, समझे कि नहीं? तो देखो क्या डेफिनेशन हमने पढ़ी है इसकी, कि भाई क्या डेफिनेशन आपने पढ़ी है रिप्रोडक्शन की? सर कि प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल और प्रोजनी इज नोन एज रिप्रोडक्शन। तो भाई प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल और प्रोजनी, इसको क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। बचपन से ये हमने डेफिनेशन पढ़ी है 7th 8th क्लास से, कि भाई पढ़ी है कि नहीं? लेकिन अब हम 11th में आ गए हैं, समझे क्या? 11th में आ गए हैं तो इस डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा, हमें थोड़ा सा और मॉडिफाई करना पड़ेगा डेफिनेशन को, समझे क्या? तो देखो क्या होगा इसका, क्या होता है बेटा कि रिप्रोडक्शन इज नॉट ओनली प्रोडक्शन ऑफ न्यू कॉपी लाइक इट सेल्फ बट इट इज द मीन्स ऑफ द सर्वाइवल सर्वाइवल ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज ऑन दिस अर्थ। समझे क्या मैंने क्या लिखा है? कि रिप्रोडक्शन इज नॉट ओनली द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू कॉपी लाइक इट सेल्फ बट इट इज अ मीन्स ऑफ द सर्वाइवल ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज ऑन दिस अर्थ। बेटा रिप्रोडक्शन में केवल खुद के जैसा ही कॉपी नहीं बनाना है, वो अकेला एम नहीं है, वो जो सारे के सारे जो एक स्पीसीज की जो पॉपुलेशन है उनका सर्वाइवल भी तो जरूरी है ना इस अर्थ पे, तब तो हम उसको कहेंगे ना कि हाँ भाई रिप्रोडक्शन है, समझे कि नहीं समझे? भाई अब तक हम 10th में यही लाइन पढ़ते आए कि प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू कॉपी लाइक इट सेल्फ, हमेशा हम लोग पढ़ते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल इज नोन एज रिप्रोडक्शन, लेकिन 11th में आ गए तो थोड़ा सा लेवल बढ़ाना पड़ेगा डेफिनेशन का। तो केवल प्रोडक्शन, नई कॉपी का प्रोडक्शन ही जरूरी नहीं है, वो अकेला रिप्रोडक्शन नहीं है, उस स्पीसीज की पॉपुलेशन का इस अर्थ पे सर्वाइव करना भी तो जरूरी है, समझे क्या? भाई फॉर एग्जाम्पल मान लो आज से कुछ साल बाद, 15 साल बाद ह्यूमंस की नई स्पीसीज आएंगी, मतलब ह्यूमंस के नई कॉपी आएंगे, है ना? और वो यहाँ इस अर्थ पे क्या सर्वाइव ही ना कर पाए, बिल्कुल पॉपुलेशन जो है ह्यूमन की वो सर्वाइव ही ना कर पाए, तो क्या होगा रिप्रोडक्शन? कहेंगे क्या फिर रिप्रोडक्शन कि भाई सर्वाइव करना भी तो जरूरी है? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? भाग गए क्या बच्चों क्लास में से? भाग गए क्या? हेलो, क्लास में हो ना? तो देखो बेटा समझ में आया क्या है मतलब रिप्रोडक्शन का? यानी कि सर हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन का मतलब ऐसे भी तो कहते हैं कि इंक्रीज इन नंबर, क्यों भाई इंक्रीज इन नंबर वो भी तो रिप्रोडक्शन को ही कहते हैं ना, इंक्रीज इन नंबर, हम दो हमारे दो तो नंबर बढ़ रहा है ना,
इंक्रीज इन नंबर, रिप्रोडक्शन ही तो होगा वो, जैसे अमीबा एक होता है डिवाइड करके दो हो जाते हैं तो नंबर बढ़ रहा है कि नहीं, तो रिप्रोडक्शन से ही बढ़ रहा है ना, तो इंक्रीज इन नंबर कह सकते हैं। और एक सिंपल डेफिनेशन जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो क्या है कि सर प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल और प्रोजेनी, ये बचपन से हमने पढ़ी है क्यों भाई। और मैं देखो आपको लाइव एग्जांपल दे देता हूं एक, जब देश को आजादी मिली थी 1950 के टाइम पे, तो यहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो 33 करोड़ थी, कितनी रही 33 करोड़, आज 2021 में कितनी है 133 करोड़, समझे क्या। तो इंक्रीज इन नंबर हो रहा है कि नहीं, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है इंक्रीज इन नंबर, क्लियर है क्या। है ना, तो यानी कि सर डेवलपमेंट के नाम पे कुछ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन आप ये देखिए कि 100 साल भी पूरे नहीं हुए और पॉपुलेशन कहाँ थे, कहाँ से कहाँ पहुंच गया है, देख रहे हो। और अब कहते हैं कि जॉब नहीं है, ये नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, कहाँ से आएंगे भाई रिसोर्सेज, क्यों भाई। फॉर एग्जाम्पल घर में रहते हो तो कभी कभार एक दो मच्छर काटते होंगे, एक दो मच्छर के भाई, तो इतना परेशान नहीं करते ना, एक दो मच्छर होते हैं तो। लेकिन वही 100-200 हो जाए तो के भाई, वही अगर 100-200 हो जाए तब क्या करोगे, प्रिवेंशन जरूरी है कि नहीं। आगे चलें, यहां तक क्लियर, आगे चलें क्या। अब देखो बेटा, अब ऑर्गेनिजम्स भी की बात कर लेते हैं सर, ऑर्गेनिजम्स के ऊपर क्या कहानी है। देखो आपने सुना होगा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को बिलोंग करते हैं, कोई है जो मल्टी सेलुलर है, बोलो। हाँ रे हर्षिता ने कहा, नाम क्या बेटा आपका इसमें दिखाई नहीं दे रहा, रितिशा, रितिशा क्या है, रितिशा सब हैं, सब हैं, मतलब सर ये जानते हैं हम सब बिलोंग करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को, मतलब कि सर ये किसका बना है, मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, कंपोज ऑफ मैनी सेल्स, लिख सकता हूं ना मैं ऐसे, क्या प्रॉब्लम है इसमें, है ना, क्योंकि सर मल्टी का मतलब क्या है मैनी, और सेलुलर मतलब सेल, मतलब मैनी सेल्स, समझे नहीं समझे। तो यानी कि सर अगर यहां पे प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी अगर होगा, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी जो होगा मल्टी सेलुलर के केस में, यहां पे प्रोडक्शन ऑफ, एक सेकेंड, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी अगर होगा बच्चों, तो एक बात बताओ, जो फीचर्स कैसे होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, फीचर्स मोर और लेस सिमिलर, लेस सिमिलर, मोर और लेस सिमिलर टू पेरेंट्स, इज इट क्लियर। कि भाई हम लोग जो हैं अपने मम्मी पापा जैसे दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं, एग्जैक्टली तो मम्मी पापा नहीं है ना, कि भाई हैं क्या, बोलो
क्या एग्जैक्टली हम मम्मी पापा हैं क्या? नहीं है ना, उनके जैसे दिखते हैं तो उनके फीचर हमारे पास ज्यादा भी हैं और कम भी हैं, दोनों ही चीजें हो सकती हैं, कम भी हो सकते हैं ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली तो नहीं है ना, समझे क्या? तो मल्टी सेलुलर की कहानी है। वहीं सर अगर हम लोग बात करें यूनि सेलुलर की, बेटा यूनि सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो ये देखो यूनि सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? यूनि मतलब सिंगल, मतलब एक, यानी मेड अप ऑफ सिंगल सेल, मेड अप ऑफ सिंगल सेल, सिंगल सेल का बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कौन बना हुआ है सर? बैक्टीरिया बना है ना, बैक्टीरिया है सर, सिंगल सेल का बना होता है सर। यूनिसेलुलर एल्गी होती है फॉर एग्जाम्पल, होती है क्या? है ना, अमीबा है सर, बचपन से पढ़ा है अमीबा, तो एटसेट्रा बहुत सारे हो सकते हैं, कोई कमी नहीं है। तो क्या करते हैं ये लोग, ये मान लो फॉर एग्जाम्पल ये अमीबा है, ये दो में डिवाइड कर जाएगा और दो अमीबा बन जाएंगे, होता है कि नहीं? ऐसा होता है ना। तो यानी कि सर ये जो यूनि सेलुलर ऑर्गेनिज्म है इसमें केवल क्या होगा, इसका नंबर बढ़ेगा सर, इंक्रीज इन नंबर होगा सर हमेशा। याद आ रहा है ऑलरेडी कल ग्रोथ के टॉपिक में मैं बात कर चुका हूं इसकी, याद आ रहा है बच्चों? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का केवल क्या बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा, वही उनकी ग्रोथ है और वही उनका रिप्रोडक्शन है, समझे क्या? अभी अमीबा ऐसा थोड़ी है कि डोरेमोन बन जाएगा, मिक्की माउस बन जाएगा, क्या भाई पॉसिबल है क्या? ऐसा नहीं होगा ना। तो यानी कि सर एक लाइन में कह सकता हूं जो मैंने कल लिखी थी फिर से, कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेम, या इसको हम कहते हैं सिनोनियम। क्लियर? तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इन दोनों के केस में, यूनिसेल ऑर्गेनिज्म के केस में सेम होंगे, क्योंकि उनका नंबर बढ़ेगा, भाई उनकी ग्रोथ मानी जाएगी, भाई उनका रिप्रोडक्शन माना जाएगा, समझे कि नहीं? भाई आपके बॉडी के अंदर बैक्टीरिया चले जाएं, उनका नंबर बढ़ता रहेगा तो कहते हैं कि नहीं, अरे ग्रोथ हो रही है, इसकी ग्रोथ हो रही है। तो ऐसा थोड़ी है कि बैक्टीरिया इतना सा और था और वो इतना बड़ा हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। क्या होगा, बैक्टीरिया इतना सा था, उसने अपने नंबर बढ़ाना चालू कर लिया, क्लियर है कि नहीं? तो उसी को ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कहते हैं, क्लियर? कोई किसी को कोई डाउट, किसी के मन में कोई परेशानी? क्लियर? कॉपी कर लिया, आगे चलें? कॉपी कर लिया क्या? फिर देखो बेटा, अब देखो रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहते हैं कि नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। मैंने क्या बोला था इसको, नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। एक बात बताओ, ये दीवार है मेरे पीछे, ये वॉल है, ये क्या है? नॉन लिविंग है ना, ये क्या है? नॉन लिविंग। क्या ये रिप्रोडक्शन शो करेगी क्या? एक बात बताओ, क्या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट रिप्रोडक्शन शो करता है क्या, ये बताओ? बोलो,
नहीं करेगा, बच्चे कह रहे हैं सर नो नो नो। तो देखो फॉर एग्जाम्पल ऐसा मान लो मेरे पास एक पत्थर है, एक स्टोन है मेरे पास जो कि 10 kg का है। ऐसा मान लो मेरे पास एक स्टोन है जो कि 10 kg का है, तो बेटा उस पर बारिश हो रही है बहुत तेज बारिश हो रही है, टप 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 पानी गिरे जा रहा है उसके ऊपर, और उसके 5 पीस हो गए। कितने पीस हो गए उसके? 5 पीस हो गए, समझे क्या? यानी कि मेरे पास एक स्टोन है जिसका वेट 10 kg है और बहुत तेज बारिश हो रही है, तो इसके कितने पीस हो गए? 5 पीस हो गए 2 2 kg के, समझे क्या? तो नंबर में बढ़ गया कि नहीं, हो गया कि नहीं रिप्रोडक्शन? तो भाई हो गया कि नहीं हो गया? तो भाई रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? इंक्रीज इन नंबर ना। तो एक स्टोन था उसके 10 पीसेस हो गए, 2 2 kg के पीसेस हो गए उसके, तो नंबर में बढ़ गया ना। तो रिप्रोडक्शन हुआ कि नहीं ये बताओ, बोलो रिप्रोडक्शन हुआ या नहीं? तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शो कर रहा है कि नहीं रिप्रोडक्शन, बोलो। बोलो बेटा, आवाज आ रही है मेरी? तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ने रिप्रोडक्शन शो कर दिया है ना, तो लिविंग भी शो कर रहे हैं और नॉन लिविंग भी शो कर रहे हैं, तो इट नॉट द डिफाइनिंग फीचर हो गया। हो गया कि नहीं? नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हमने इसको कह दिया है ना, एक्सेप्शन आ गया। तो सुनो एक बात बताता हूँ मैं, कि जीवन में कभी कोई ऐसे कहे, जीवन में कभी कोई ऐसे कहे कि सर क्या क्या करो बेटा सार्थक, सर 2 kg के 5 स्टोन जोड़े तो 10 kg ही होंगे। हाँ होंगे ना। तो ह्यूमन का जो बेबी होता है, तो क्या वो 50 किलो का बोन होता है क्या? तो भाई ह्यूमन का जो बेबी होता है उसका वेट कितना होता है जब उसका बर्थ होता है? तब 2 4 5 kg। तो भाई है ना, तो बॉर्न होगा तो ऑब्वियसली छोटा होगा ना, कम वेट का होगा। तो सुनो, अगर जीवन में आपके कभी कोई ये कहे कि रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शो करते हैं, ध्यान से सुनो, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ये बात बिल्कुल गलत है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट रिप्रोडक्शन शो नहीं करते हैं। मेरी आवाज आ रही है? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कभी भी रिप्रोडक्शन शो नहीं करेंगे, उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। अगर होता, सपोज अगर काश उनमें रिप्रोडक्शन होता, तो मैं यहां बैठ के आपको लेक्चर नहीं देता, मैं अपने इस मनी का घर पे बैठ के क्या कराता? रिप्रोडक्शन कराता। समझ गए क्या? ये भी क्या है, नॉन लिविंग है क्या? अगर पॉसिबल होता तो ना आप लेक्चर सुनते, ना मैं लेक्चर आपको देता, हम दोनों घर पे बैठ के अपने इस मनी का प्रोडक्शन कराते। समझ गए क्या? हेलो, क्लियर है कंसेप्ट? कंसेप्ट क्लियर है क्या? आई बात समझ में? कि सर रिप्रोडक्शन जो है ना वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी तो नहीं है, लेकिन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी उसको शो नहीं कर सकते। इज इट क्लियर ना? तो नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों नहीं है, इसकी हम अब बात कर लेते हैं। क्यों सर? ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टराइल ह्यूमन कपल, तो भाई म्यूल्स, वर्कर बीज, ये लोग नहीं कर सकते।
तो एक्सेप्शन आ गया ना कि लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, इसीलिए नॉट द डिफाइनिंग फीचर कहा गया है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है, तो सुनो अब मैं आगे का पॉइंट क्या लिख सकता हूं यहां पे कि सर रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ, रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। सर ग्रोथ का कैरेक्टर है वो, क्योंकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में हमने देखा ना, यूनिसेलुलर में हमने देखा, रिप्रोडक्शन जो है वो ग्रोथ का कैरेक्टर है, बट इट इज नॉट कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझे क्या? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ये कैरेक्टर नहीं है, डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है, है ना? रिप्रोडक्शन इज नॉट द कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो आगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स मे रिप्रोड्यूस, है ना, मे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, कर ही लेंगे, ऐसा नहीं है, समझिए कि नहीं समझे, कर सकते हैं लेकिन कर ही लेंगे ये पक्का नहीं है। इज इट क्लियर? और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट बेटा कभी भी रिप्रोडक्शन शो नहीं करेंगे, इसका लॉजिक मैंने आपको दे दिया, क्लियर है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म तो होता ही नहीं है, वो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नेवर रिप्रोड्यूस, क्लियर है क्या? क्लियर है? तो ऐसे बहुत सारे लिविंग एनिमल्स हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, उसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूं। ये कॉपी कर लिया क्या, ये बताओ, इज इट कॉपीड? इज इट कॉपीड? दो बेटा, तो मैनी लिविंग एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स आप इसमें लिख सकते हो, कैन नॉट रिप्रोड्यूस फॉर एग्जाम्पल म्यूल्स, स्टराइल ह्यूमन कपल, वर्कर बीस, ये बेटा एक्सेप्शन है रिप्रोडक्शन के, इसीलिए वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। ये क्या है यहां पे? एक्सेप्शन। समझे क्या? क्लियर है? समझ में आया कि क्यों डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मैंने उसको नहीं कहा है, रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मैंने क्यों नहीं कहा है? चिल्ड्रन क्लियर? किसी को कोई डाउट है कुछ भी तो पूछो मुझसे, किसी को कोई डाउट कुछ भी प्रॉब्लम है तो पूछो मुझसे। एवरीवन एनी डाउट?
क्लियर, ऑल क्लियर, ठीक है। वर्कर बीज, बी डबल ई एस, वर्कर बीज, बी डबल ई एस, म्यूल्स स्टराइल ह्यूमन कपल एंड वर्कर बीज। ये वर्कर बीज एक ही है, ओके। आज कोई ऐसा बच्चा है जो नया आया है इस क्लास में, कल या आज में कोई ऐसा बच्चा है जो न्यूली एडमिशन है? सार्थक बेटा, प्रीवियस लेक्चर देख लेना, आपको डाउनलोडेड लेक्चर मिल जाएगा वहां पे रिकॉर्डेड, ठीक है? उस लेक्चर को देख लेना तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई जो नीट की प्रिपरेशन है उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चीजें हमें किस तरीके से पढ़नी है, ठीक है बेटा? प्रज्वल, ऋषिकेश, सार्थक, वो प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेना। ओके स्नेहा, ओके। तो आप जितने भी बच्चे हैं जो फर्स्ट लेक्चर में नहीं थे, फर्स्ट सेकंड लेक्चर में जो नहीं थे, वो उस लेक्चर को जरूर देख लेना, ठीक है? क्लियर। तो आगे देखो, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? पिछले नोट्स कहाँ होंगे वो आपको लेक्चर में मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर में। नोट्स तो मैंने कल की क्लास से दिए हैं, और लास्ट टाइम एक चैप्टर का और दिया था, वो आप किसी भी ग्रुप पे मैसेज करके किसी भी बच्चे से ले लेना। क्लियर? देखो बेटा, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन के टाइप्स देखो बेटा, ऑलरेडी आपने पढ़े होंगे पहले, दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? एक होता है एसेक्सुअल, दूसरा होता है सेक्सुअल। क्लियर है क्या? एक होता है एसेक्सुअल, दूसरा होता है सेक्सुअल, है ना? तो एसेक्सुअल कौन होता है सर? यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा ना, उसमें केवल एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा। कौन होगा? ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट ओनली, समझे क्या? ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट ओनली, केवल एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा। जैसे कि सेक्सुअल में मेल और फीमेल होते हैं, एसेक्सुअल में ऐसा नहीं होगा, केवल और केवल एक सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होगा। तो बेटा एक बात बताओ, जब सिंगल पेरेंट होगा तो गैमेट बनेगा क्या? गैमेट बनेगा क्या? गैमेट ही नहीं होगा, गैमेट फ्यूजन नहीं होगा, तो फर्टिलाइजेशन होगा क्या? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, गैमेट नहीं बनेगा, तो एक बात बताओ, क्या मियोसिस प्रोसेस होगी? क्या मियोसिस होगा? क्या नहीं होगा ना मियोसिस? इज इट क्लियर? जब गैमेट ही नहीं बन रहा है, फर्टिलाइजेशन ही नहीं है, तो मियोसिस कहां से होगा? हेलो, क्लियर है क्या? और सेक्सुअल में क्या होगा सर? यहाँ पे मेल और फीमेल दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, पेयर में होते हैं, तो फर्टिलाइजेशन भी होगा सर, गैमेट भी बनेगा और मियोसिस भी होगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है,
यस तो बेटा इसके आगे का फिर मैं आपको कल की क्लास में नेक्स्ट क्लास में टीच करूंगा, ठीक है? हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, कोई डाउट हो पूछना। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। टेक केयर।